हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आर्यम विलर, हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आर्यम विलर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1944 में वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। इससे पहले वो एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। सर जॉन मार्शल ने स्टैटिग्राफी सिस्टम को इग्नोर किया था। आर्यम व्हीलर ने इसी स्ट्रेटिग्राफी सिस्टम को अपनाया और हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पा के जो एरियाज है उसमें एक्सकवेशन को कंटिन्यूशन में रखा। आर्यम व्हीलर ने एक की जो दो बुक है, इम्पॉर्टेंट बुक जिसके बारे में हमारे 12th क्लास की बुक्स में मेंशन है, वो है माय आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि हड़प्पा का जो एरिया है वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड है। उसके बाद भी यहाँ पे उन्होंने जो एक्सकेवेशन का काम है, आर्कियोलॉजिकल साइट में जो वर्क हो रहा था, उसको बहुत ही एडवेंचरस तरीके से उन्होंने कंटिन्यूशन में रखा। एक और बुक का नाम मेंशन हुआ है, वो है हड़प्पा 1946। इस बुक में उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कोरिलेट किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को ऋग्वेद से। ओके, यहाँ पर एक इमेज है जिसमें लिखा हुआ है माय आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। यह आर्यम विलर की बुक है और उसका ये फ्रंट पेज है जो कि बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला है। और इसके साथ साथ इसी बुक का एक इम्पॉर्टेंट पेज मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, मोहनजोदारो द सिटाडेल। और ये सेम पेज जो है, ये इमेज जो है, फिगर, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। ये आर्यम व्हीलर के बुक माय आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 की बुक के पेज से लिया गया है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।